हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा एंड अभय लाइफस्टाइल में। आज मैं आप लोगों को सूजी का हलवा बनाना सिखा रही हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं एक कटोरी में मेरे चीनी है और एक में सूजी। जितनी आपको सूजी मिल लेनी है उतनी ही चीनी लेनी है। अगर आपको कम मीठा पसंद है तो आप कम भी डाल सकते हैं। और ये तवे पर मैंने देसी घी थोड़ा सा डाल लिया है और इसमें हम लोग थोड़े से आलमंड्स रोस्ट करेंगे। आप लोग ऐसे भी डाल सकते हैं, पर रोस्ट करके डालने से उसका फ्लेवर थोड़ा सा और अच्छा हो जाता है बादाम का। तो इसमें बादाम हम लोग डाल देंगे और हल्के हल्के से, जैसे मूंगफली भुनी जाती है वैसे हल्के से इसको चलाते रहेंगे तो अच्छे से भुन जाएगा ये अंदर तक। अब आप लोगों को तो पता ही है, सूजी का हलवा प्रसाद में भी खाया जाता है और ऐसे भी घर पे आप बना सकते हैं, काफ़ी टेस्टी लगता है, सभी को पसंद आता है। शायद ही कोई ऐसा हो जिसको ना पसंद हो, पर आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर करें घर पे। जिसको बनाना नहीं आता है वो ये वीडियो पूरा देखें तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि सूजी का हलवा परफेक्ट कैसे बनता है। क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा कि सूजी का हलवा सही से नहीं बन पाता, उसमें छोटे छोटे से वाइट वाइट से दाने दिखते रहते हैं तो वो सूजी अच्छे से फूल नहीं पाती है, तो हलवा उतना टेस्टी नहीं बनता है। तो इसमें मैंने एक कढ़ाई में देसी घी थोड़ा सा डाल लिया है। देसी घी को अच्छे से गर्म होने दीजिए, क्योंकि देसी घी अच्छे से गर्म होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देसी घी गर्म होगा तभी हम लोगों की सूजी भी अच्छे से भुन पाएगी। सूजी मैंने पहले से ही भून के रखी थी, पर थोड़ी सी और हम भून लेंगे, हल्की सी ब्राउन हो जाएगी, उसके बाद हम लोग चीनी और आलमंड्स ऐड करेंगे। तो ये मैंने सूजी डाल दी है, उसको धीरे धीरे से मिलाना है। धीरे धीरे हाथों से हल्की आंच पे आप इसको भूनिए। मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगते हैं सूजी को भूनने में और जल्दी ही भून जाती है। अच्छे से इसको चलाते रहिए, नहीं तो अगर आप नहीं चलाएंगे तो ये नीचे से हल्की सी ब्राउन हो जाएगी, काली हो जाएगी, यानी कि लग जाएगी कढ़ाई में। तो इसको आपको कंटिन्यूसली चलाना है बिना वेट किए। धीरे धीरे आप चलाएंगे, देखेंगे आप थोड़ी 10 मिनट बाद इसका हल्का सा रंग ब्राउन होने लगेगा, हल्का। अभी तो वाइट है, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे हल्का सा इसका ब्राउन हो जाएगा। आपको बराबर चलाना है तभी सूजी का टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। देखिए 10 मिनट हो गए हैं मुझे चलाते हुए, इसका रंग जो है ना वो ब्राउन हो गया है, एकदम ब्राउन शुगर जो होती है ना बिल्कुल वैसा दिख रहा है इस समय। और बहुत ही सुंदर इसका कलर मुझे लग रहा है। जब तक सूजी का कलर ये नहीं आ जाता तब तक हलवे में वो टेस्ट नहीं आता है। तो अब ये सूजी भुन गई है, इसमें हम चीनी डाल देंगे। चीनी डालने के बाद थोड़ी देर मिला लें, फिर इसमें हम वाटर ऐड करेंगे। वाटर आप थोड़ा सा ज़्यादा ही डालिए ताकि सूजी को फूलने के लिए उसको वाटर की जितनी भी ज़रूरत है वो सोक कर ले। ये देखिए आप वाइट वाइट से दाने दिख रहे हैं, जब ये फूल जाएगी सोक कर लेगा वाटर सूजी तो ये ऐसी नहीं दिखेगी, हल्की सी गाढ़ी हो जाएगी, धीरे धीरे गाढ़ी होती चली जाएगी और फिर हमारा हलवा तैयार हो जाएगा। आपको धीरे 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 इसको चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है, नहीं तो नीचे लग सकता है हलवा, इसलिए आपको धीरे धीरे चलाते रहना है। देखिए हल्का सा गाढ़ा होना शुरू हो गया है, गाढ़ा होने लगा, धीरे धीरे ये गाढ़ी होने लगा है हलवा हमारा। इसको चलाते रहना है, थोड़ा थोड़ा रुक रुक के चलाते रहेंगे। तो देखिए हमारा हलवा जो है वो हल्का सा गाढ़ा हो गया है। ऐसी ही कंसिस्टेंसी हम लोगों को चाहिए। जब तक कि हलवे की कंसिस्टेंसी सही नहीं होगी तब तक हलवा हम लोगों का बिल्कुल भी खाने में अच्छा नहीं लगेगा, ना देखने में लगेगा। इसीलिए हलवे को अच्छे से पकना बहुत ज़रूरी है। देखिए तो चलाते रहिए,
आप देख सकते हैं हलवे में हल्के से वाइट वाइट से दाने अभी भी हैं। इसको हमें थोड़ा और पकाना पड़ेगा, तो हम इसको थोड़ा और पकाएंगे। आप चाहें तो अगर आपको लग रहा है कि वाइट वाइट दाने दिख रहे हैं अभी भी, तो आप थोड़ा सा वाटर और ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा वाटर ऐड करके आप थोड़ा सा और उसको चला दीजिए। देखिए हलवे में हल्के हल्के वाइट से दाने जो है ना वो कम हो गए हैं। देखिए अब ये हमने बादाम जो रोस्ट किए थे वो मैंने इमानदस्ता, मेरे यहाँ इधर तो यूपी साइड में इसको इमानदस्ता कहते हैं, इसमें हल्के से उसको कूट लिया है। आप चाहें तो चाकू से भी काट सकते हैं, पर मैंने उसमें कूट लिया है थोड़ा सा। तो उसके बाद मैंने हलवे में मिला दिए अच्छे से। बाद में भी बहुत लोग गार्निशिंग करते हैं, आप कर सकते हैं, पर मैंने तो अपने लिए ही बनाया है। घर में मेहमान कोई आए तो आप ऊपर से गार्निश कर सकते हैं। देखिए मैंने ये चार बादाम डाल के इसको अच्छे से सजा दिया है। तो ये आपका हलवा तैयार है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया हो तो लाइक